बोले आ क्या हुआ रहे हैं बताइए डॉक्टर आप। सर आ रहे हैं, तुम दूर से बोले सर आ रहे हैं 800 सब करो, किलोमीटर सब कुछ। जॉगिंग करने आए ये बताइए, जो पप्पू मंडल है ये कंपाउंडर काम करता है, डॉक्टर एम के ये पाठक है जिनके यहाँ कंपाउंडर काम करता है, और डॉक्टर एम के पाठक यहाँ आते हैं, एक निजी क्लिनिक बना यहाँ आते हैं। कल 18 तारीख कौन सा दिन था? संडे था, रविवार होने के कारण से नहीं, रविवार को नहीं आते, को डॉक्टर साहब नहीं आते, नहीं आते एम के पाठक। अच्छा, और ये जो है चलाते हैं ठीक ना? आइए कहाँ घर है सब, जो सुई दिया है क्या चीज का सुई था कुछ बता सकते हैं? वही बोला कि पेट दर्द कर देते हैं, मोटा रहता है पेट दर्द का, सुइया देते एक साथ नहीं सुई का खोपी उपी कुछ लिए हैं क्या? नहीं नवा ले सके हैं, भाग रहे हैं वही दिन अपने हम पाप को देखते हैं क्या, मत चप्पल पापा भी वहीं खुला हुआ ही होगा पड़ा हुआ चप्पल और पाए मोबाइल। कितना देर में घटना घट गई सुई देते तुरंत? 5 या 2 मिनट थी, कोई नहीं था, खाली माँ थी पापा थे, हम लोग तो यहीं थे। बोले कितना बोला वहाँ का लोग का कि बेटा को हमने बुला दीजिए, कोई नहीं सुना। और ऐसा घटना होने के बाद जब आए पेट फूल हुए ना, तो यहाँ तो समाज के आदमी रोक के रखा कि अब कम्प्रोमाइज होगा, तब नहीं जाइए थाना, नहीं जाएंगे थाना, कम्प्रोमाइज हम लोग सब बैठ के करेंगे। 4 घंटा सर बादशाही पोखर के पास, रात 1 बजे कोई आगे नहीं जाने, 2 बजे जब सुबह हुई सर तो सुबह भी गए, रात कहानी बताई, रात को जब आए दो आदमी को भेजे दूसरे को, दो आदमी को भेजे थे कम्प्रोमाइज के लिए, बात विचार क्या हुआ कैसे क्या करना चाहिए, कितना पैसा दिया था जो देना चाहिए, तो सब बातचीत होने लगा था। हम लोग उसको जितना हम लोग को ये कर्जा लोन तीन जो भी था सर डायरेक्ट हमने बता दिया, पूरा पूरी हम 5 लाख का हम लोग उसको अमाउंट बता दिया, तो उसमें भी सब बोला ना इतना नहीं होगा, पहले बोला 15-20-50 तक में हम दे सकते हैं, उसके वो होते 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 फिर हम लोग को भाई बोला नहीं उतना हम लोग खुद अपने से नहीं कर लेंगे, जान बट के जान है हम ही देते हैं उसको, हमारे पिताजी को ला सकता है। उसके बाद करते करते फिर अपने वो लोग फैसला करते करते फिर उसकी बात हुआ, तो इधर से बोला नहीं 5 तो 2.5 लाख तक कम से कम 2.5 लाख तक कर दीजिए, हम लोग गाँव पंचायत में रहेंगे, गाँव में हम लोग कहे केस हम जाएंगे, ये इतना तक हो जाता है ठीक है, उसमें भी वो लोग बोला नहीं 1 से लेकर 1.5 लाख तक हम देंगे, अगर वो भी हम 1 घंटा के बाद फोन करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग को कोई सूचना नहीं आया था, हम सुबह थाना गए, सबसे पहले मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी के पास गए तो बोले कौन है मुखिया आपके यहाँ? हेमलता जी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से बोले थाना जाइए, उसके बाद हम फोन करते हैं, थाना गए तो वहाँ बोले सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोला ठीक है अभी परवाड़ी जी आने वाले हैं 8 बजे तक में आप बैठिए आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो परवाड़े जी आए रिपोर्ट वोट लिखे हैं, तो उसके बाद वो सर थान लोग सर से यहाँ आए हैं, तो यहाँ फिर बोले अब हम तब मेरे अंदर आ गया, तो हमारा भी जो सर है थोड़ा है वहाँ, तो आए तो बोले हम पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएंगे, तो वही सब कागज पत्र लिखा पड़ी सब हुआ, तो पोस्टमार्टम कराए, 5 तारीख का रिपोर्ट लिए गए हैं, अब रिपोर्ट में क्या निकलते हैं केस बना हुआ है अभी, पुलिस क्या की खाली FIR करके पोस्टमार्टम करा, और डॉक्टर पर क्या किया कार्रवाई? डॉक्टर के ऊपर अभी कुछ कार्रवाई नहीं, पप्पू मंडल के ऊपर अभी कुछ कार्रवाई नहीं, बोलेंगे रिपोर्ट चल रही है, क्लिनिक शायद कल बंद थी कल आज के पता नहीं। और क्या हम लोग को वहाँ तक पहुँचाया, हॉस्पिटल भी वो पहुँचाया, उसके बाद जब हम लोग पापा में भीड़ गए वो तब कब तक कने निकल गया, और जाकर हम लोग को सूचना मिली है कि वो भर्ती हो गया, डॉक्टर बताया तब ने इसको जाकर का सुई दिया गया है, उसके बाद वो तब तक वो लेके वहाँ तक पहुँचाया बेड तक। कौन डॉक्टर बोले कि वहाँ का डॉक्टर सरकारी सदर हॉस्पिटल कि इसको अथी दिला दिया, बोलो बहन चौधरी को तब तक वो बेड को वो सुलाया, जब इतना मत बोला ना तने से वो निकल गया, तुरंत बता गया पप्पू चल गया किधर को, हमारे फिर खबर मिला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो होगा मतलब एक्सपायरी डेट वही होगा, वो बोल दिया कि मुंगेर में जाके भर्ती है, वो भी तो पॉइजन हो गया है ऐसा खबर हम लोग को बताया गया है, अंदर जाके डॉक्टर साहब फिर बाहर निकल गए, और पेशेंट का जो साथ में प्रशासन हो के पेशेंट को टेम्पो पे चढ़ा दिए हैं, तकर बाद बोलता है पप्पू भर्ती है,
अभी तक नहीं आया देखने के लिए। बोला कि हार्ट अटैक है। कल रात में तो रात में 10 बजे घूम रहा था, 9 बजे वहीं थे हम थाने में थे। खनिया सर खत्म हो बुलेट से जा रहा था, बेटे के साथ नहीं बचा, हम थे परसों की घटना है ना। मेरा बेटी था उसको किए थे वो, कल सोमवार था परसों 9:30 बजे को बोला कि पप्पू शायद रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हार्ट अटैक, हमको बोला कि मुंगेर राम परवेश यहां भर्ती है, हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ गया था। दिल का बोला गया कि पहले राम परवेश यहाँ भर्ती है, राम परवेश यहाँ भर्ती है, उसका मोबाइल किसी और के पास था। सुइया देते के साथ उसको ब्लड बिगा, मुंह साथ ही गिरने लगा, बहुत छटपट आए हो गया उसको, भाग बोला कि तब ला रहे की नमाज के छोड़वा के, अरे बिपिनमा ऑटो बोला था, यो बिपिनमा वो अथी बिजली का अथी बिल बनाता था, वही जो बैठ कर कोई उठा, सब लोग देख के जाता था आता था, हम चिकर का घर चिकर, हमारे बेटा को बोला था, हमारे बेटा को कोई नहीं सुना, मेरा बेटे गया तो निकल आया, ऐसे डेट हो गया उसको, जैन का वजह से निकाल दिया। एगो ही था साथ में, सिर्फ यही दिया था उनके साथ में, लेडीज थी साथ क्लिनिक कहाँ पर है? आगे हाँ क्लोज एफआईआर का कॉपी दीजिएगा, कॉपी अभी लाने ही के लिए गए हैं। 300 कैसे मिलेगा? फोन करेगा। सही है, बताइए यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ नहीं ऐसे प्राइवेट है यहाँ पर, सीधा कुछ नहीं है, कुछ किसी को होगा तो डायरेक्ट मुंगेर लेकर भागना पड़ता है। भरोसे चलता है, छोटा मोटा जैसे ना ओ मन मंगती है, जब मन आया बैठा नहीं हुआ चल दिया, ये कोई जरूरी नहीं कि तुम खुले रहते हो, कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मुंगेर, वो भी गाड़ी गांव में गाड़ी जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, हम जाएंगे कि हम ले जाएंगे, टैबलेट देता है उसके बाद ज्यादा अभी होगा ना, कहेगा चाहिए इधर अभी हुआ खुद ही कहता है, मुंगेर नहीं तो हॉस्पिटल है, अब वो थोड़ा मुखिया रहा है, बहुत फिल्टे जाइए हम दिखाते हैं पीछे तो है ना, तो वहाँ पे है कुछ हम लोग ले सकते, लेकिन एक ऑक्सीजन का तो व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है ना, कुछ मतलब सीधी बात है बता रहे हैं कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन न कोई डॉक्टर आता है, कोई ना कोई कितने आबादी है यहाँ पर? इंद्रपुर में पंचायत है, ठीक है, लगभग 6700 आबादी है, 6700 एग्जैक्ट वोटर है, ठीक है, वोटर हम बता रहे हैं, मतदाता ना हम मतदाता, ठीक है, आबादी तो 10,000 के आसपास, हालांकि सर यहाँ जमीन मुहैया सरकारी है भी, चाहेंगे सरकार अपना जमीन में भी सरकारी हॉस्पिटल खोल सकते हैं अगर चाहेंगे, नहीं वो देखिए आप क्यों चाहेंगे, ये सरकार को चाहिए ना, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ हो क्या रहा, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, खांसी होता है तभी आप जाते हैं, ज्यादा तबियत खराब तो मुंगेर भागते हैं, वो भी मुंगेर भागने के लिए गाड़ी को मिले तो मिले, मिले तो फिर आदमी तो मर जाएगा आदमी, दवाई दे देता है, अच्छा एफ आई आर वाला पेपर कैसे मिलेगा? कॉपी हमको दे दीजिए, इस पर फोन कीजिए, फोन कीजिए, खबर बनवाएंगे स्वास्थ्य पर क्या हुआ, और खाली जो है कॉपी जैसा दे दीजिए।